यदि हाल ही में अभी कुछ दिन होते लगातार घटनाएं जिले में घटित होती जा रही हैं, क्या कारण है और घटना कैसे कैसे जानकारी? विगत सीधी जिले की बात करें तो विगत 2-3 दिवस में जो है मझोली थाना क्षेत्र और कोतवाली थाना क्षेत्र, कुसमी थाना क्षेत्र में 3-4 इसमें घटनाएं घटी है, जिसमें जैसा कि हम बात करें कि यदि हम मझोली थाना क्षेत्र की बात करें, जिसमें कि एक शुक्रवार सिंह कह के छत्तीसगढ़ का निवासी था, जिसका कि जो है नीरज ढाबा के पास में बॉडी इसमें मिली थी और जिस पर पुलिस में जो है तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। प्रथम दृष्टया इसमें हत्या का मामला प्रतीत हुआ, जिसमें पुलिस ने इसमें 302 कायम भी कर लिया। चूंकि उस वह व्यक्ति जो था छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का निवासरत था और वह जो है जो बिलासपुर से सुल्तानपुर जो बस जाती है उसमें रेगुलर रूप से आता जाता था और मजदूरों को लाने और ले जाने का काम करता था। इस संदर्भ में जो है पुलिस ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्य इसमें एकत्रित कर रही है और निश्चित रूप से हम इसमें जल्दी ही सफलता अर्जित करेंगे। इसी तारतम्य में हम बात करें थाना कुसमी थाना क्षेत्र में, तो उसमें रेलवे ट्रैक पर एक बालिका की जो है इसमें हमको बॉडी मिली थी, उसमें भी पुलिस के द्वारा मर्ग जाँच इसमें जो है लिया गया है और साथ ही विभिन्न प्रकार के तथ्य इसमें एकत्रित किए जा रहे हैं। इसमें जैसे ही इसमें विभिन्न तथ्यों पर जो है जाँच हमारी कम्प्लीट होगी, हम इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और कोतवाली थाना क्षेत्र की भी हम बात करें, जैसे कि जो एक ज्वलंत मुद्दा के इसमें नज़र भी आ रहा है, तो ऐसी ये जो कि बालिका है उनके घर के पास में जो कुआं था उसमें बॉडी मिली थी, उसमें भी विभिन्न प्रकार के साक्ष्य और परिवार वालों के जिस प्रकार से इसमें जो शिकायत है उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन सभी बिंदुओं को भी इसमें शामिल किया गया है और सारी चीज़ें जो हैं चाहे वो टेक्निकल रूप से हो या फिर अन्य जो साक्ष्य हैं सबको हम एकत्रित कर रहे हैं और इसमें जल्दी से जल्दी हम तीनों ही मामलों का खुलासा करेंगे।